मेरा गांव है नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी बहुत पवित्र नदी है, गंगा सिंधु शिकावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा, तो रेवा मतलब नर्मदा। और अक्सर साधु संत धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना रहता था और मेरी धर्म में रुचि जागी और मुझे लगता था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मेरे आदर्श थे ध्रुव। ध्रुव जब अपने पिताजी की गोद में बैठे थे तो सौतेली माँ ने उतार दिया था। जब ये रोए तो माँ ने कहा कि बेटा तू भगवान की गोद में बैठ। ध्रुव भक्ति करते थे, मेरे मन में लगता था मुझे ध्रुव जैसा बनना है, भगवान को प्राप्त करना है। और मैं गांव के आसपास पड़त जमीन पड़ी रहती थी जहाँ पेड़ होते थे, खेत नहीं होते थे गाय बैल भैंस के लिए, तो मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता था और सोचता था कि मैं ध्रुव की तरह भगवान की गोद में बैठ जाऊँ। यहीं से फिर प्रवृत्ति बनी कि हम धार्मिक किताब पढ़े, तो मैंने गीता जी का अध्ययन किया। कुछ समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी। गीता जी भी मिली इस ढंग से मुझे कि दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ कर्मकांड होता है ब्राह्मणों को देने के लिए, कई चीज़ें उसके बाद दी जाती, उनमें गीता जी की प्रति भी दी जाती है, तो कुछ प्रतियाँ बच गई थी, एक मेरे हाथ लग गई। मैंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ समझ में आती थी नहीं आती थी, लेकिन जिद करके मैं पढ़ता रहा। और अंत में दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये मानव जीवन कुछ करने के लिए है, केवल पेट भरने के लिए और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, कुछ ऐसा जिससे जीवन सफल और सार्थक हो। फिर मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, आचार्य श्री राम शर्मा जी जिन्हें गायत्री परिवार की स्थापना की उनको पढ़ने लगा, और उसी में से फिर कई चीज़ें मेरे दिमाग में आई।